गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरहत नाज बोल रही हूँ करीम सिटी कॉलेज से। उम्मीद करती हूँ आप घर में अच्छे से होंगे और सेव होंगे, और हमने जितने भी वीडियो डाले सब उसको आप देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे और समझे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट। अब पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ए वेबसाइट इज़ ए सिंपली ए कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल ऑन वन और सेवरल पेजेस। दीज पेजेस मे कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, पिक्चर्स, साउंड्स, ऑडियो एंड वीडियो। दिस पेज ऑन ए वेबसाइट आर लिंक्ड टू वन अनदर एंड कैन बी स्विच्ड बैक एंड फॉरवर्डेड बाय क्लिकिंग देयर लिंक्स कॉल्ड हाइपर लिंक्स। अब स्टूडेंट हम समझते हैं कि वेबसाइट क्या है। अब समझिए, वेबसाइट इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल ऑन वन और सेवरल पेजेस। समझिए स्टूडेंट्स, वेबसाइट एक कलेक्शन है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का। ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एक इंडिविजुअल, कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अवेलेबल रहता है एक या उससे ज़्यादा पेजेस में, जिसको वेब डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस भी बोलते हैं। ये सारे पेजेस में इंफॉर्मेशन बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, ऑडियो और वीडियो। ये सारे पेजेस जो कि वेबसाइट में हैं, लिंक्ड रहता है एक दूसरे से और कभी भी स्विच बैक या फॉरवर्ड हो सकता है उसके लिंक को क्लिक करने से, जिसको हाइपरलिंक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार और समझिए कि वेबसाइट किसको कहते हैं। वेबसाइट एक कलेक्शन है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का। ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एक इंडिविजुअल, कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अवेलेबल रहता है एक या उससे ज़्यादा पेजेस में, जिसको वेब डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस भी बोलते हैं। ये सारे पेजेस में इंफॉर्मेशन बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड्स, ऑडियो और वीडियो। ये सारे पेजेस जो कि वेबसाइट में है, लिंक्ड रहता है एक दूसरे से और कभी भी स्विच बैक या फॉरवर्ड हो सकता है उसके लिंक को क्लिक करने से, जिसको हाइपरलिंक्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, दीज वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन द सेवरल ऑन रेंटल बेसिक्स एंड इन ऑर्डर टू रिट्राइव एंड रेफर्स दे हैव यूनिक नेम्स। दीज साइट्स मे बी ऑन बाय इंडिविजुअल, एजेंसीज, कंपनीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, दीज वेबसाइट आर होस्टेड ऑन द सेवरल ऑन रेंटल बेसिक्स एंड इट ऑर्डर टू रिट्राइव एंड रेफर्स दे हैव यूनिक नेम्स। दीज साइट्स मे बी ऑन बाय इंडिविजुअल, एजेंसीज, कंपनीज, कॉलेजेस, universities and governments for providing the required and related information. अब स्टूडेंट इसको भी समझिए, ये सारे वेबसाइट्स की यूनिक नेम है। ये साइट खरीदा भी जा सकता है इंडिविजुअल के जरिया या द्वारा। ये एजेंसीज, कंपनीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, समझिए स्टूडेंट, ये सारे वेबसाइट की यूनिक नेम है। ये साइट खरीदा भी जा सकता है इंडिविजुअल्स के जरिया, ये
एजेंसीज, कंपनीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये आप समझे होंगे। अब स्टूडेंट हमारा आज का ना दूसरा टॉपिक है वेब ब्राउज़र। अब स्टूडेंट इसको देखिए, ए वेब ब्राउज़र प्रोग्राम्स दैट इज़ यूज्ड टू नेविगेट थ्रू इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन द नेट। इट अलाउज व्यूइंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन सेपरेटेड अक्रॉस द इंटरनेट एंड डिस्प्ले इट यूजिंग द नेट। इट अलाउज व्यूइंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन सेपरेटेड अक्रॉस द इंटरनेट एंड डिस्प्ले इट यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। HTML का फुल फॉर्म है स्टूडेंट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बार और स्टूडेंट इसको देखिए, वेब ब्राउज़र, ए वेब ब्राउज़र प्रोग्राम्स दैट इज़ यूज्ड टू नेविगेट थ्रू इंफॉर्मेशन फाउंड्स ऑन द नेट। इट अलाउज व्यूइंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन सेपरेटेड अक्रॉस द इंटरनेट एंड डिस्प्ले इट यूजिंग द नेट। इट अलाउज व्यूइंग एंड रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन सेपरेटेड अक्रॉस द इंटरनेट एंड डिस्प्ले इट यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब स्टूडेंट समझिए कि वेब ब्राउज़र किसको कहते हैं। समझिए स्टूडेंट, वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन नेविगेट कर सकते हैं जो कि नेट में प्रोवाइडेड है। ये अलाउ करता है इंफॉर्मेशन देखने के लिए जो कि इंटरनेट में सेपरेट है और डिस्प्ले करता है इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए। ये वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है। स्टूडेंट आगे देखिए, इट कम्युनिकेट्स विथ द वेब सर्वर टू डाउनलोडेड एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस ऑन द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स ए फुल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस विथ पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोज एंड इवन 3D इमेजेस। द स्पेसिफिक पेज कैन बी मूव्ड बाय टाइपिंग इट्स एड्रेसेस कॉल्ड URL। URL का फुल फॉर्म है स्टूडेंट यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। इन ए वेब ब्राउज़र सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर इंटरनेट एक्सप्लोरर Netscape, Navigator। स्टूडेंट्स एक बार देखिए, ए स्पेसिफिक पेज कैन बी मूव्ड बाय टाइपिंग इट्स एड्रेसेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। इन ए वेब ब्राउज़र सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर इंटरनेट एक्सप्लोरर Netscape, Navigator। स्टूडेंट अब समझिए कि वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन नेविगेट कर सकते हैं जो कि नेट में प्रोवाइडेड है। ये अलाउ करता है इंफॉर्मेशन देखने के लिए जो कि इंटरनेट में सेपरेट है और डिस्प्ले करता है इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए। ये वेब ब्राउज़र से कम्युनिकेट करता है डाउनलोड या ना डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस को जो कि कंप्यूटर में है प्रोवाइड करने के लिए एक फुल मल्टीमीडिया विद पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोस और 3D इमेजेस के साथ। एक स्पेसिफिक पेज मूव हो सकता है बाय टाइपिंग एड्रेसेस और यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लैंग्वेज वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र के एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, Netscape, नेविगेटर्स। स्टूडेंट समझिए, वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम्स है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन नेविगेट कर सकते हैं जो कि नेट में प्रोवाइडेड है। ये अलाउ करता है इंफॉर्मेशन देखने के लिए जो कि इंटरनेट में सेपरेट है और डिस्प्ले करता है इसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए ये वेब सर्वर से
से कम्युनिकेट करता है डाउनलोड या डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस को जो कि कंप्यूटर में है प्रोवाइड करने के लिए एक फुल मल्टीमीडिया पिक विद पिक्चर साउंड्स वीडियोज 3D के साथ। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और सेव रहिए। ओके, बाय।